Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. जिंदगी में हर एक व्यक्ति को सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए और शांति चाहिए. यही तो चाहिए. मिलेगा कैसे? वो तकनीक जाननी है हमको. सुख कौन सी तकनीक से मिलेगा? समृद्धि कौन सी तकनीक से मिलेगी? और शांति कौन सी तकनीक से मिलेगी? अगर आपने सुना सुख नहीं तो सुख मिल जाएगा, अगर नहीं है सुख तो मिल जाएगा, विश्वास तो है ना? हाँ, विश्वास तो है कि मिल जाएगा. विश्वास है कि मिल जाएगा तो मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है. अगर कोई अभी पहले ही सोच के बैठा है, ना ना जी, आज के जमाने में सुख कहाँ, दुख मारा है, यहाँ सुखम कैसे हो सकता है? पांचवारा चल रहा है जिसका नाम ही दुखमा है, तो बना यहाँ सुख कैसे आ सकता है? अगर किसी ने ये मान लिया कि दुख ही रहेगा, सुख नहीं आ सकता है, तो उसके लिए ये तकनीक काम की नहीं है. कई लोग ऐसे होते हैं, मान बैठे होते हैं, बीमारी रहने वाला हूं, ठीक हो ही नहीं सकता. घर में परेशानी है, इतने सालों से है, कौन सी खत्म हो जाएगी? इतने सालों में खत्म नहीं तो अब कैसे खत्म हो जाएगी? बहुत लोग ऐसा सोच के बैठते हैं कि जो इतने सालों में जो परेशानी खत्म नहीं, अब कैसे हो सकती? अरे भैया, जो इतने सालों में खत्म नहीं हुई, इतने सालों पहले जब ये चालू नहीं हुई थी तब भी तो नहीं थी ना, अभी भी नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी. लेकिन भरोसा जागना, भरोसा जागना बहुत बड़ी बात है, नहीं है? है ना? अक्सर हमें भरोसा ही तो नहीं होता. बीमार आदमी को भरोसा ही नहीं होता कि वो एकदम ठीक हो जाएगा. उसे लगता है ना जाने अब और कौन सी बड़ी वाली बीमारी लगने वाली है. तो सुख नहीं तो सुख मिल जाएगा, वैभव नहीं तो वैभव, वैभव नहीं भी है तो वैभव मिल जाएगा. तकनीक क्या है? खुला रखो दिल, खाली जगह, ज्ञान मिलेगा अभिनव, सद्भावित मन हो, हंसता आनंद हो. दिल खुला रखो, यानी कि जो आ रहा है उसका स्वागत करने के लिए तैयार तो हो. जब तक आप स्वागत के लिए तैयार ही नहीं हो, तब तक वो सुख आएगा भी तो कैसे आएगा? कौन सुबह उठ करके कहता है आज के दिन को आने वाले सारे सुखों का मैं स्वागत करता हूं, आज के दिन के सौभाग्य का मैं स्वागत करता हूं, आज मेरा भाग्योदय हो रहा है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं? आज रोज सुबह उठ करके केवल आज के लिए बोलो, आज मेरा दिन सुखमय हो रहा है, आज मेरे द्वार पर सौभाग्य आ रहा है, समृद्धि आ रही है, मैं उसका स्वागत करता हूं. रोज सुबह घर के दरवाजे खोलते हो ना? पहले जमाने में लोग दरवाजे खोलने के साथ पहले चारों दिशाओं में प्रणाम करते. आपने देखा किसी को? नहीं देखा? ओके, आपको शायद लोग देख ले कल से. घर के दरवाजे जब खोलो ना, खोल करके पहले प्रणाम करो, फिर चारों दिशाओं में प्रणाम करो और ऐसी मन से प्रार्थना करो, आज के दिन आने वाले सुख और सौभाग्य का मैं स्वागत करती हूँ. आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है जिसका आप स्वागत कर रहे हो, लेकिन आप कह सकते हो कि आज के दिन आने वाले सुख और सौभाग्य का मैं स्वागत करता हूँ. अभी तक तो नहीं कहा ना? चाहा तो था कि सुख आए, सौभाग्य आए, चाहा तो सभी ने था, लेकिन चाहने से नहीं मिलता. उसके लिए आपको उसका स्वागत करना होगा, उसका रिस्पेक्ट करना होगा और अपने घर में उनके लिए जगह बनानी होगी, क्योंकि सुख आएगा, वैभव आएगा, उसके रहने के लिए जगह तो चाहिएगी ना. खुला रखो दिल, खाली जगह, ज्ञान मिलेगा अभिनव. दिल खुला रखो और जगह खाली रखो, उनके बैठने के लिए जगह दो. सुख और वैभव के बैठने के लिए, विराजने के लिए जगह भी तो चाहिए. कहाँ है जगह? जगह है भी आपके घर पे कि नहीं है? कई लोगों के घरों पे फोन आता है, भैया हम वहां से आ रहे हैं, वहां से चलेंगे और आपके यहाँ पे इतने बजे तक पहुंचेंगे. तो अच्छा, आप आ रहे हो? मन ही मन कहते हैं ओह बाप रे, आज सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा.
फिर ऊपर से पूछते हो, अच्छा भाई साहब देखो खाना तो यहीं पर लेना है। वो कहते हैं नहीं नहीं जी, हम खाना किसी पार्टी में करने जा रहे हैं, इसीलिए आपके यहाँ आ रहे हैं, केवल आएंगे थोड़ी देर के लिए। अरे वाह चलो अच्छा हुआ, खाना कहीं और लेने वाले हैं। वो मन में वो जो आने वाले अतिथि के लिए जो भावना होनी ना, कि अरे वाह आज मेरे घर पे खाना लेंगे, हम तो पहले ही सोचते अच्छा चलो खाना कहीं और है, ये वाली टेंशन तो खत्म हुई। फिर जब कोई आ जाता है तो हम उनको कहते हैं देखो भाई साहब घर चाहे छोटा हो दिल मेरा बहुत बड़ा है, बोलते हैं ना, लेकिन मन ही मन सोच रहे होते यार कौन सा बेड दूंगी इसको, बच्चा अपना बेड छोड़ना नहीं चाहेगा, देवरानी अपना बेड छोड़ना नहीं चाहेगी, मैं भी कैसे छोड़ सकती हूँ, सासू माँ का पलंग तो कहीं छूट भी नहीं सकता, अब इनको कहाँ सुलाऊंगी। फिर कहते अरे कोई दिक्कत नहीं है जी, घर में बहुत जगह है, दिल में बहुत बड़ी जगह है। और फिर वो कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब यहाँ नहीं रुकने वाले, हमारे रुकने का पहले से हम होटल में बुकिंग करके आए। ओह मन में कहते हो बिल्कुल ठीक किया, समझदारी का काम किया। और ऊपर से कहते हो फिर हम आपके घर वाले हैं तो सही, जाने की कहीं और जरूरत क्या थी। तो देखो हम लोगों के दिल में बातें कुछ और चल रही होती है और जुबान पे बातें कुछ और चल रही होती है, मन में तो हम कुछ किसी के भी प्रति, मतलब केवल मेहमानों के प्रति नहीं लेकिन जनरली मेहमानों के प्रति होती है। और फिर कई लोगों के भीतर में ऐसा अचानक आए हुए अतिथि के साथ साथ अचानक आई हुई घटनाएं, निमित्त, परेशानियां, अथवा लोग, अथवा महाराज साहब लोग, उनके प्रति भी ऐसी बातें चल रही होती है। हमारा मन खुला नहीं है अभी, अगर मन खुला होता, दिल खुला होता और घर में खाली जगह रखते, सबके रहने के लिए जगह रखते, तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे घर पे सुख और सौभाग्य ना आए। अतिथि का सत्कार जिसके घर में होता है वहां लक्ष्मी भी वास करना पसंद करती है, लेकिन जिनके घर में अपने घर वालों का ही सत्कार नहीं होता और अतिथि का औपचारिक सत्कार होता है, उनके घर पे लक्ष्मी भी औपचारिकता रूप में आती है, मतलब दिखती है कि आ रही है लेकिन बरकत कुछ होती नहीं है। और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि दिखता तो है कि पैसा आ रहा है लेकिन कभी पैसा दिखता नहीं है, कभी बरकत नहीं होती। और लोग पूछते महाराज साहब ऐसा क्या, मेरे हाथ में क्या प्रॉब्लम है, जरा हाथ देख के बताओ ना बरकत क्यों नहीं होती घर के अंदर। भैया बरकत घर में तो बाद में होगी, पहले दिल में तो हो, भावनाओं में तो हो। खुला रखो दिल खाली जगह, अपने घर वालों के लिए भी दिल खुला रखो। यहां तो घर वालों के लिए भी तंगी की सोच आ जाती है, और जिसकी सोच में तंगी है उसके बिजनेस में तंगी भी आएगी ना, उसके रिश्तों में भी तंगी आएगी ना। जब तक मन में तंगी है तब तक धन में भी तंगी बनी रहने वाली। इसीलिए पहली शर्त, पहली तकनीक, खुला रखो दिल, दिल को खुलो, मन को उदार बनाओ, मन को संकीर्ण मत रखो, छोटा मत रखो। एक महिला बात कर रही थी हमसे, कहती है महाराज साहब सास ससुर के पास में इतना पैसा है, इतना पैसा है। हम नहीं कहते अलग रहो, हमारे साथ रहो भले ही, लेकिन कम से कम हमारे साथ रहते हो तो अपना खर्चा तो खुद उठाया करो। हमने कहा क्या बात कर रही हो बहन, सास ससुर अपना खर्चा खुद उठाए, आप क्यों सोचती हो, आप अपने बच्चों का भी उठाती हो ना, वैसे सास ससुर का भी कर लो। अरे नहीं होता पैसा हमारा, सब बात अलग थी, उनके पास बहुत पैसा है लेकिन कभी कुछ पैसा खर्चना नहीं चाहते, सारे डॉक्टर का खर्चा हम करें, उनके आने जाने का सब हम करें, वो अलग रहते हैं अच्छा है, लेकिन जब ही सामने आते हैं साथ में रहते हैं तो बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत टेंशन हो जाती है उनको। मैंने कहा बहन इतनी छोटी सोच क्यों रखती हो, अरे तो उनको अपना खर्चा उठाना चाहिए ना, अगर मैं उनका भी खर्चा करती रहूंगी तो बेटी की शादी कैसे करूंगी। मैंने कहा जब उन्होंने पैदा किया था आप लोगों को, आपके मम्मी पापा ने, तो उन्होंने तो नहीं सोचा था कि मैं इन बच्चों का खर्चा क्यों उठाऊं, सोचा था हाँ, हमें कमाने लायक बनाया, हम उसके लिए भी शुक्रगुजार नहीं, और हम सोच रहे हैं कि उनकी जो कमाई है उसका हिस्सा हमें मिलना चाहिए, माता पिता ने जो कमाया है उनका हिस्सा हमें मिलना चाहिए, और अगर वो हमारे घर में रहे तो अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए,
हम क्यों उठाएंगे? अपने बच्चों के लिए उठा रहे हो, अपने माँ बाप के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि दिल दिमाग छोटे हैं, सोच भी छोटी, भावना भी छोटी, हृदय में उदारता नहीं है। ऐसे घर में पैसा आता तो रहेगा लेकिन टिकना मुश्किल है, और पैसा आए तो भी समृद्धि आए, अमीरी आए, सुख वैभव आए, वो मुश्किल है। और ऐसी छोटी सोच वाले लोग जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं दुनिया में, तो दुनिया दुखों का घर बन जाती है। जिस घर में ऐसी छोटी सोच वाले लोग एक या दो भी हो जाए ना, वो घर बीमारी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, गरीबी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। एक आध आदमी भी छोटी सोच वाला हो, घर को बिगाड़ने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर लेता है। इसीलिए अगर आपको सुख और वैभव चाहिए तो खुला रखो दिल, खाली जगह, दिल में खाली स्थान रखो, यानी जो आए उसके लिए आपके पास में स्पेस होना चाहिए, आपके पास में वैक्यूम होना चाहिए, उनके लिए आदर के लिए आपके पास में पर्याप्त भावनाएं होनी चाहिए। अगर भावनाएं नहीं है तो काम नहीं हो सकेगा। खुला रखो दिल, खाली जगह, ज्ञान मिलेगा अभिनव। अभिनव यानी हर पल नया, हर पल नया ज्ञान मिल सकेगा। सद्भावित मन हो, हंसता आनंद हो, मन में सद्भावनाएं हो और चेहरे पे मुस्कुराहट हो, तो समृद्धि आपके घर में आएगी। मन में सद्भावनाएं हो और चेहरे पे हंसी हो, मुस्कुराहट हो, तो लक्ष्मी आपके घर में आएगी। लेकिन यहां तो घर की लक्ष्मी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखने को बड़ी मुश्किल से मिलती है। कई घरों के अंदर आदमी लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कभी उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठता, और वे कहते हैं हमारा सब कारण क्या, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कभी धनवान नहीं बने। हमारे मित्र वो यहां से वहां पहुंच गए, वो कम पढ़े लिखे थे तब भी इतना ऊपर पड़ गए, हम हमेशा फर्स्ट आते थे, आज भी यहां बैठे हैं। और उनकी श्रीमती जी की तरफ नजर गई हमारी तो पता लगा वो मन में बड़ी दुखी है, उसके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं है, वो दिल से अपने परिवार को दुआ नहीं दे पाती है क्योंकि वो शिकायतों से भरी है। उसको शिकायत है कि उसके घर में उसका सम्मान नहीं है, उसके प्रति सद्भावना नहीं है। हर इंसान उससे तो उम्मीद करता है लेकिन उसकी उम्मीद का कोई ख्याल नहीं रखता है। उससे सारी अपेक्षाएं की जाती है कि वो जल्दी जागे, लेट सोए, सबके लिए बराबर टाइम पे खाना दे, टाइम पे कपड़े दे, टाइम पे प्रेस करे, टाइम पे सब कुछ काम करे, लेकिन उसका मन क्या है वो कभी सुना नहीं जाता। और वो दुखी महिला जिस घर में है उस घर में लक्ष्मी देवी क्यों कर आएगी, कैसे रह पाएगी? आ भी गई तो कुछ टाइम के बाद में हमें नया रास्ता निकाल लेगी, तो तब तक समृद्धि नहीं आती जब तक घर की लक्ष्मी राजी ना हो। इसीलिए धनवान होने की एक टेक्निक है कि पहले हर महिला, हर स्त्री, हर मां, हर बहन, हर बेटी और अपनी वाइफ, सबके लिए आपके हृदय में रेस्पेक्ट हो, उनका दिल सुनना सीखो, उनके मन को सुनना और समझना सीखो। जब तक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, उनके दिल में आपके लिए दुआ नहीं, तब तक परिवार में ना एकता रहेगी, ना संप रहेगा, ना संपत्ति रहेगी। संप कहते हैं एकता को, ना संप रहेगा ना संपत्ति रहेगी जब तक कि घर की लक्ष्मी आपकी खुश नहीं। और बड़े बड़े मिलेनियर्स को देखो आप, इंडिया के नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो कोई ग्रह नक्षत्र की पूजा कराने नहीं जाते, ज्योतिषियों के चक्कर नहीं काटते, देवी देवताओं के वो दूध तर्पण करने, नैवेद्य चढ़ाने या मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार कुछ भी करने नहीं जाते, लेकिन अपने परिवार के हर बड़े बुजुर्ग का रोज सुबह आशीर्वाद लेते हैं, रोज शाम को उनके पास बैठ करके उनके मन की थाह लेते हैं, दिल की बातें सुनते हैं, और अपने परिवार के लक्ष्मी का रेस्पेक्ट करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेकर के, अपनी वाइफ के चेहरे की खुशियां लेकर के फिर वो कमाने के लिए निकलते हैं, तो उनके घर में शांति है तो उनके दिल में शांति है, दिल में शांति है तो दिल में भावनाएं सही होगी और दिमाग राइट डिसीजन ले पाएगा,
और जब दिमाग राइट डिसीजन ले पाएगा तो आपका बिजनेस भी राइट वे में बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन जब दिल दिमाग में अशांति है तो राइट डिसीजन कैसे लोगे? और डिसीजन रॉन्ग हो गया तो पता लगेगा कि अभी जो माल को खरीदा कल उस माल के भाव बढ़ गए, अब बेचने जाओ तो लॉस है। अब दो दिन ठहर जाते तो अच्छा था, लेकिन किसको पता दो दिन बाद में क्या होता? और वो आपको क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि आपके अंदर में शांति नहीं है, आने वाली घटनाओं को देखने की क्षमता डेवलप नहीं हुई। चित्त में शांति होती तो वो क्षमता भी डेवलप होती कि आने वाली घटनाओं को देख सको। अंदर का मन कहता है अभी रुक जा, और मन सबका बोलता है, लेकिन जिसका मन ही बिगड़ा हुआ है वो बिगड़ी हुई बातें बोलता है। फिर अव्यवस्थित चित्त वाला व्यक्ति सामने आ रहे घटनाओं को नहीं देख पाता है, उसके डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं। किसी क्या बात करनी है वो बात करते करते चूक जाता है, कहा क्या बोलना था वो बोला नहीं, और जहां जो नहीं बोलना था वो बोला है, बिजनेस बिगड़ गया। और ये वाणी से बिजनेस बड़े अच्छा होता है और वाणी से बिजनेस बिगड़ भी जाता है। और वाणी का भान इसलिए नहीं रहता क्योंकि दिल दिमाग मस्त नहीं है, प्रसन्न नहीं है। तो सबसे पहली पूजा पाठ ये हो कि घर में रहने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशियों को लाना सीखो। अगर साथ में रहने वाले लोगों के चेहरों पे आप खुशियां नहीं ला सके तो घर की देवी को राजी किया नहीं, और बाहर मंदिरों की देवियों को राजी करने के लिए तुम दूर दूर वैष्णो देवी जाओ या कहीं चिंतपूर्णी माता जी जाओ या ज्वाला देवी जाओ या भगवती के दर्शन करने कहीं भी जाओ, पर घर में बैठे हुए भगवती का तो दर्शन कर लो पहले। तो बड़ी दिक्कत है हमारे यहां कि घर की अशांति बिजनेस को खराब कर रही है, लेकिन हम बिजनेस में समृद्धि चाह रहे हैं इसके लिए घर की अशांति को सहन कर रहे हैं, घर की अशांति का कोई कारण ही नहीं समझ रहे, उसको टाइम भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमें तो खाली एक ही दौड़ है, पैसा बढ़ना चाहिए। कैसा बढ़ेगा वो टेक्निक नहीं पता, तो ये टेक्निक सीखो। हम सब समझे इस टेक्निक को कि जब तक हम रोज सुबह घर के द्वार खोलने के साथ में सुख समृद्धि सौभाग्य का स्वागत ना करें, जब तक हम मुस्कुराते चेहरे के साथ में रात सोने ना जाएं, मुस्कुराते चेहरे के साथ नींद से जागे ना, मुस्कुराते चेहरे के साथ घर वालों से मिले ना, और हर व्यक्ति के दिल की था लेना ना सीखे, तब तक हमारे घर के अंदर में समृद्धि रहेगी कैसे, बढ़ेगी कैसे? धन की बरकत खुद होगी दिल में भावना हो, सद्भावित मन हो, हंसता आनंद हो, चेहरा मुस्कुराता हुआ। कितने लोग दुकान पे जाते हैं लेकिन जाते हुए उनका चेहरा देखो कैसा चेहरा होता है, मुस्कुराता हाँ नहीं ना, होता कभी कभी होता, रोज होता है? वेरी गुड, रोज होना। वो भाई साहब कह रहे कभी कभी होता है, हा? वो कभी कभी होता है इसका मतलब इनका दिल दिमाग पीछे अटका हुआ है, और पीछे अटका हुआ है यानी कि पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तभी अटका हुआ है। ये पहचान करो, अगर आप प्रसन्न नहीं हो यानी आप वर्तमान में नहीं हो, वर्तमान में हो आपकी स्वाभाविक प्रसन्नता होगी, और जब स्वाभाविक प्रसन्नता होगी तो आपके डिसीजंस राइट होंगे। दिल से संबंध है निर्णय क्षमता का, जरा दिल को सही रखना जरूरी है। और दिल दिमाग को कहीं फंसा लिया, धसा लिया, शिकायतों से लबरेज कर दिया, और आसपास वाले लोगों की बददुआएं आपको लग रही है, तो आप कितना भी प्रयास करो, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, लेकिन जो आपका वृक्ष पे फल फूल लगने चाहिए, जो आपके घर आंगन पे वृक्ष लहलाना चाहिए, जो खुशियां आनी चाहिए, वो कैसे आ पाएंगे? इसलिए छोटी सी टेक्निक बता रहे आज हम कि सुख नहीं तो सुख मिल जाएगा, वैभव नहीं तो वैभव। खुला रखो दिल खाली जगह, दिल खुला रखो जगह खाली रखो, ज्ञान मिलेगा अभिनव, सद्भावित मन हो, हंसता आनंद हो। मन में सद्भावनाएं हो, न केवल अपने सगे संबंधियों के प्रति बल्कि जो आपसे बिजनेस डील कर रहा है उन सबके प्रति भी, जो आपसे माल लेके जा रहा है उसको माल देने के साथ साथ दुआएं भी दो, जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है उसका अपॉर्चुनिटी का लाभ लेने के साथ साथ उसके लिए थैंकफुल भी बनो, ग्रेटफुल भी बनो, हम्बल बनो,
मन में सद्भावना लाओ और केवल अपने लिए सुख की मत सोचो, ये सोचो मेरे चारों और मेरे साथी लोग सब बढ़े, ये सबका बिजनेस अच्छा फूले फले। जब सबके लिए आप सद्भावना करते हो, जब सब बढ़ते हैं तो आप भी बढ़ जाते हो। लेकिन आप ये सोचते हो कि ये बाकी के लोग ना कमाए मैं ही कमाऊं, अब गड़बड़ हो जाती। और बाकी के तो छोड़ो, कोई एक आध के लिए भी मन में दुर्भावना आ गई ना, मेरा भाई क्यों मैं क्यों नहीं, मेरा दोस्त क्यों मैं क्यों नहीं, मेरा नेबर क्यों मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं और उसको क्यों, ईर्ष्या है ये। ईर्ष्या जलन की भावना, यानी मन में सद्भावना नहीं दुर्भावना। इस ईर्ष्या जलन को मिटाने के लिए आप एक टेक्निक और अपनाओ कि दूसरों की, देखो कोई भी व्यक्ति के किस्मत के सितारे हर वक्त बुलंद नहीं होते, ये बात तो ठीक है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो कि 365 डेज समान रूप से अच्छा ही चलता हो, है ना। वो डॉक्टर्स लोग भी कहते सीजन है और फिर कभी कभी कहते सीजन नहीं है, हा? तो 365 डेज सबका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है, जनरली ऐसा नहीं होता। ओके, कुछ एक अपवाद छोड़ दो। तो ऐसे टाइम में क्या करना आपको, जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तब तो आप खुश हो, बताने की जरूरत नहीं खुश रहो, तब तो आपका दिल दिमाग सब एकदम, वो बुढ़ापे में जवानी आ जाती है, है ना। लेकिन जब आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और किसी अन्य का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तब आप उनकी खुशियों में खुश होना जानते हो तो आप सद्भावित हो और कमा रहे इस बात की खुशी है, है क्या? मुश्किल लगती है। और तुम्हारे इस बात की खुशी है तो आप सद्भावित मन वाले हो। जनरली इस चीज की हमें प्रैक्टिस नहीं होती, या हमारी भावना नहीं होती, या शायद हमें नॉलेज नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है मुझे सुख मिला तो मैं सुखी। नहीं, आपको सुख मिले और आप सुखी हो तो नॉर्मल बात है, आपके साथियों को सुख मिल रहा है और आप उनके सुख में सुखी हो रहे हो, ये बड़ी बात है। जब आपका बिजनेस नहीं चल रहा लेकिन आपका पड़ोसी का चल रहा है, आप खुशी मनाओ, इस बात की खुशी मनाओ कि उसका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ना, इस बात की खुशी मनाओ कि उसके घर में खुशी आ रही है। और जब औरों की खुशियों में आप खुश होना जानते हो तो प्रकृति आपको भी खुश नसीब बना देती है। लेकिन जब आप दूसरों के नसीब में खुद खुश होना नहीं जानते हो तो आपकी खुश नसीबी भी कमजोर हो जाती है। सद्भावित मन हो, हंसता आनंद हो, सद्भावना का ये तरीका अपनाओ कि जब आपका अच्छा चले तब तो सद्भावना फिर भी आसान है, जब आपका अच्छा नहीं चल रहा हो तब भी सद्भावना रखो और लोग कमा रहे इस बात की सद्भावना, क्योंकि जब आप कमा रहे थे तब कोई और गंवा रहा था, जब प्रॉफिट आपकी पॉकेट में आ रहा था तो किसी और को तो शायद लॉस हो भी रहा होगा ना। जनरली विन विन सिचुएशन हर जगह तो नहीं होती, तो जब आप कमा रहे थे कोई दूसरे गंवा रहे थे, आज कोई और कमा रहा है तो आप खुशियां मनाओ। और जब उनकी खुशियों में आपको खुश रहना आएगा तो प्रकृति कहेगी यार इस आदमी को तो दुखी किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अपनी खुशी में तो खुश रहता है, औरों की खुशियों में भी खुश रहता है, तो इसका मतलब यह है कि इसके दरवाजे पर दुख की कोई जगह नहीं बची। आपके घरों में दुखों के रहने के लिए स्थान ना रहे, अगर वो कला आपको आती है तो आप सौभाग्यशाली हो। आपके घरों में उदास चेहरा कोई ना रहे, अगर यह कला आपको आती है तो आप समृद्धिशाली हो। आपके दिल में सबके लिए प्रेम उदारता रहे, ये भावना आपकी है, तो आपको वैभव संपन्न होने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। पैसा थोड़ा हो या ज्यादा हो, आप वैभवशाली बनोगे, दिल उदार है तो, भावना महान है तो, चेहरा खुश है तो। ले ये तकनीक तो लाओ, पहले आप ऐसे हो जाओ कि लक्ष्मी खुद पीछे आए, खुशियां खुद आपके दामन में आए, वो आपके आंगन में आए। वो तभी आएगी जबकि रोज दरवाजा खोलने के साथ में बोलो सुख का स्वागत, सौभाग्य का स्वागत, समृद्धि का स्वागत, मेरे घर में सुख सौभाग्य समृद्धि सब आ रही है, आभार आभार आभार। रोज रोज आंख खुलने के साथ, घर का दरवाजा खोलने के साथ में, मुस्कुराते चेहरे के साथ में आने वाले सौभाग्य के लिए स्वागत करो और धन्यवाद दो। अगर ऐसा कर पाते हो तो वाकई आप सब किस्मत वाले होंगे। जय हो।